गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गिरतदास मुंद्रा बाल भारतीय माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8th हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शमश्रुति विनार्थक शब्द। तो हम देखते हैं शमश्रुति विनार्थक शब्द होते क्या हैं। पहले तो इसके शब्द से ही इसका अर्थ जानते हैं। सम मतलब समान, श्रुति मतलब सुनने में एक जैसे, भिन्नार्थक मतलब उनका भिन्न अर्थ, भिन्नार्थक, भिन्नार्थक भिन्न मतलब अलग, और थर्थक थर्क मतलब अर्थ, जो सुनने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ में उनकी भिन्नता होती है, वही शमश्रुति विनार्थक शब्द या युग्म शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। हिंदी भाषा में बहुत से शब्द उच्चारण में एक समान लगते हैं, इनके उच्चारण में थोड़ा बहुत अंतर होता है किंतु इनके अर्थ में भिन्नता होती है, वही शमश्रुति विनार्थक शब्द या युग्म शब्द कहलाते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से युग्म शब्द आपके आते हैं। ठीक है, नंबर एक है अनल और अनिल। वैसे लग तो समान रहा है लेकिन इनकी श्रुति भी समान है, इनके अर्थ क्या है, अनल का अर्थ है आग, अनिल का हवा। नंबर दो सीता और सीता, एक में बड़ी की मात्रा है एक में छोटी की मात्रा है, तो इसमें सीता का अर्थ है जानकी और एक सीता का अर्थ है शक्कर या इसको चीनी भी कर सकते हैं, शक्कर या चीनी। ज्वर का मतलब बुखार, ज्वार का तूफान। आगे देखते हैं सात, सात क्या है एक संख्या है और एक है संग, ठीक है इसका है साथ, साथ और इसका अर्थ होता है संग, सात का अर्थ है संख्या और साथ का संग, ठीक है। आगे अविराम, अविराम का अर्थ होता है लगातार मतलब कंटिन्यू चलते जाना, अविराम का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। दिया, दिया मतलब दीपक, एक दिया का मतलब होता है देना। आगे देखते हैं लक्ष्य का अर्थ है उद्देश्य, एक का है लक्ष्य मतलब लाभ, चरम मतलब अंतिम सीमा, ठीक है एक चरम का अर्थ है चमड़ा। नौ नंबर देखते हैं प्रमाण का अर्थ है सबूत और एक प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार, जो हम दूसरों को करने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसके आगे देखते हैं, आगे देखते हैं पवन का अर्थ है पावन, पवन का अर्थ है हवा और पावन का अर्थ है पवित्र, पवन का हवा, पावन का पवित्र। कृपण कंजूस, कृपाण तलवार, ये जितने भी शब्द है अभी हमें सुनने में तो समान लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ क्या अलग है। मत, मत का मतलब राय, मति मतलब बुद्धि। आगे देखते हैं शोक, शोक का अर्थ है दुख, एक शोक का अर्थ है रुचि या इसके अंतर्गत हम चाव भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक है दारा, दारा मतलब स्त्री, एक है द्वारा मतलब कि माध्यम, शाला स्थान या भवन, साला होता है पत्नी का भाई, ये भी यहाँ पर भी शब्द एक समान है लेकिन इनके अर्थ अलग है, ठीक है। आगे देखते हैं अन्य का अर्थ है दूसरा, एक अन्न का मतलब होता है अनाज, ओके। कोष, कोष मतलब एक दूरी, एक कोष का अर्थ होता है खजाना, ये राजा महाराजा का जो कोष होते थे ना इतिहास में ये नाम बहुत ज्यादा आता है कोष का, ठीक है। पानी, पानी का है जल, एक है पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ, ये शब्द आपने शादी विवाह के संस्कारों में पढ़ा होगा, ये शब्द आता है पानी ग्रह, मतलब कि यहाँ पे पानी का अर्थ है हाथ के, पानी ग्रह संस्कार, जो एक हाथ दूसरे के हाथों में दिया जाता है दूल्हा दुल्हन के साथ में, ओके। आगे सुर का अर्थ है देवता, एक सुर का अर्थ है स्वर, हिम का अर्थ होता है बर्फ, हिम मतलब सोना, और मतलब तरफ, एक और का मतलब होता है कोई अन्य, ठीक है। हरि विष्णु, हर का अर्थ है शिव, इसके आगे और भी है, आगे देखिए बहु, बहु का अर्थ है अधिक, बहु वधु, दशा अवस्था, दिशा और, गर्व का घमंड, गर्व का आंतरिक भाग, जामन दो जमाने की खटाई, ठीक है एक जामुन है, जामुन क्या है एक फल, व्रत मतलब उपवास, एक व्रत का मतलब होता है घेरा मतलब कि गोल घेरा, क्या है इसका, ठीक है। एक गुर, गुर का मतलब होता है एक रहस्य, एक गुरु का मतलब होता है शिक्षक। अतल, अतल मतलब बहुत गिरा, अतुल जिसकी तुलना की जाए। नीर का मतलब है पानी, नीर मतलब घोंसला। छात्र विद्यार्थी, एक छात्र का अर्थ होता है क्षत्रिय। तो आप ये इतने अभी जितने भी अभी मैंने बताए हैं आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आ रहे हैं। आगे देखते हैं
अशक्त, अशक्त मतलब निर्बल, आसक्त का अर्थ होता है मोहित, वसन का कपड़ा, व्यसन मतलब बुरी आदत, सुत का अर्थ होता है बेटा, एक सूत का अर्थ होता है सारथी, कोट का किल्ला, कोटी मतलब करोड़ों, स्वागत मतलब अपने आप, स्वागत मतलब सम्मान, समिति मतलब सभा, एक होता है सम्मति मतलब सलाह, सारंग, सारंग का अर्थ होता है मोर, सारंगी मतलब होता है एक वाद्य यंत्र, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मंदिर का अर्थ है पर्वत, मंदिर मतलब पूजा स्थल, शर का मतलब होता है बाण, और एक शर का अर्थ होता है तालाब। आगे देखिए, और जात, जात का अर्थ होता है उत्पन्न, जाति गोत्र, वदन का अर्थ होता है मुख, बदन शरीर, अम्ल खट्टा, अमल नशा, इति समाप्ति, इति देवी दुख, आदि का अर्थ होता है आरंभ, फिर एक आदि का अर्थ होता है आदत, जो हमेशा हमारी आदत होती है वही है यहाँ पे, ठीक है। एक कपाट का अर्थ होता है दरवाजा, कपट धोखा, ठीक है। आगे देखते हैं, तरंग लहर, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, सर्वदा सदा या हमेशा, सर्वथा सब तरह, ठीक है। अही का अर्थ होता है सर्प, और एक अह होता है उसका अर्थ होता है दिन, अर्चन पूजा, और एक होता है अर्जन, एक होता है अर्चन, ज आता है एक में ज आता है अर्जन, अर्जन का मतलब होता है संग्रह, मतलब जो चीजें हमें अर्जित की जाती है या अर्जन करते हैं उसके संग्रह कहते हैं। तो आपको मैंने आज समश्रुति भिन्नार्थक के कुल 50 युग्म शब्द कराए हैं, ये आप इनको कॉपी में लिखोगे, याद करोगे और इनका पूर्ण रूप से अभ्यास करोगे और इनको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। ओके गाइड्स, आप आज अपने इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म करती हो। ओके।